नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल स्टडी प्रो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए, जिससे इससे हमारे जितने भी भाई बहन उनको लाभ मिल सके। ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो बैंक, SSC, रेलवे, NTPC, UP PET या अन्य स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये GS का पोर्शन है, इसमें पॉलिटी कवर कर रहे हैं। इसी प्रकार के हम बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं, कंप्यूटर का वीडियो बना दिया है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइंस का, ठीक है, सभी पोर्शन पर हमारी वीडियो आ रहे हैं। आप हमारे चैनल को शेयर कर सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? पहला ए है उच्चतम न्यायालय का कोई भी सेवारत न्यायाधीश, बी है उच्च न्यायालय का कोई भी सेवारत न्यायाधीश, सी है केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, और डी है केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। इसका सी सही है, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। दूसरा है, निम्नलिखित में से लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे, के सुंदरम, GS ढिल्लों, बलराम भगत, हुकुम सिंह। इसका ए सही है, KBK सुंदरम, ये कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इसका सी विकल्प सही है, जवाहरलाल नेहरू। आगे क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमे PIL लाया गया तब भारत का मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? ए है ए हितामहिदुल्लाह, बी है AM अहमदी, और सी है AS आनंद, और डी है PN भगवती। तो इसका डी विकल्प सही है, PN भगवती। निम्नलिखित में से कौन आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो सी विकल्प सही है, निर्वाचन आयोग। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य में मंत्री परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा? तो ए है 90वां, बी है 93वां, और सी है 95वां, और डी है 97वां। तो इसका ए विकल्प सही है, 91वां। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह, GB मावलंकर, KM मुंशी, UN डेवर। तो इसके थे GB मावलंकर, बी विकल्प सही है इसमें। आगे निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गईं जिससे उसकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? संविधान 9वां संशोधन अधिनियम, संविधान 91वां संशोधन अधिनियम, संविधान 92वां संशोधन अधिनियम, संविधान 93वां संशोधन अधिनियम। इसका सी विकल्प सही है, संविधान 92वां संशोधन अधिनियम। इसमें पहले 18 भाषाएं थीं, इसमें नई भाषाएं 4 जोड़ के 22 कर दी गई। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ए 3री, बी 5वीं, सी 7वीं, डी 9वीं। तो इसका बी सही है, 5वीं। भारत के कितने राज्य न्यायालयों की, कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है? ए 2, बी 3, सी 3, और डी 5। तो इसका 3 सही है, ए बी सही है, यानी कि 3 शामिल। निम्नलिखित में
संविधान संशोधन में से कौन सा यह बताता है कि मंत्रिमंडल कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? 90वां, 91वां, 92वां, 93वां। तो इसका बी विकल्प सही है, 91वां। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, डी सूचना का अधिकार। तो इसका डी सही है, सूचना का अधिकार। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, जे के बी राव समिति ने, एल एम सिंघवी समिति ने। तो इसका विकल्प बी सही है, बलवंत राव मेहता समिति ने। केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि उसके कार्यपालिका के आदेश को दरकिनार कर दिया उसने। और दूसरी बी है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। सी है, उसने संघीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। और डी अपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी विकल्प सही है, उच्च न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापत्व करता है? चेयरमैन राज्यसभा, स्पीकर प्रधानमंत्री, प्रोटेम स्पीकर। तो बी सही है, स्पीकर करता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों के मनोनीत करता है? हिमाचल प्रदेश, केरल, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश। इसका सी सही है, जम्मू एंड कश्मीर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान अध्यात्मक है, भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इसका डी विकल्प सही है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो इसका डी विकल्प सही है, अनुच्छेद 24। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपाल की शक्तियां नियुक्त होती हैं? राष्ट्रपति में, कैबिनेट में। तो इसका विकल्प ए सही है, राष्ट्रपति में। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? बी आर जाखड़, जी बी मालंकर, सी हुकुम सिंह, डी के एस हेंगड़े। तो बी सही है, जी बी मालंकर। भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? संसद द्वारा। किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति एवं राष्ट्रपति द्वारा। मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा। और डी है, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्पों को पारित करने पर। तो डी सही है इसका। आगे क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरा जाना चाहिए 90 दिन में, 6 माह में, 1 वर्ष में, संसद द्वारा निर्धारित अवधि में। तो बी सही है, 6 माह में। केंद्र राज्य के विवादों का समाधान करना भारतीय और सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता हुआ है? परामर्शदात्री, अपीलीय, संवैधानिक, प्रारंभिक। तो डी विकल्प सही है, प्रारंभिक। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को या उपरोक्त सभी को। तो इसका बी विकल्प सही है, राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं? प्रधान यानी मुखिया, क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच या पंच। तो इसमें सी सही है, पहला प्रधान, चौथा सरपंच और पांचवा पंच। ये सभी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अनुच्छेद 24 से 14 वर्ष तक बालक को कार्य पर नहीं लगाने का अधिकार है। भारत के शून्यकाल में संसद के हस्तक्षेप
की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ? 1964 में, 1975, 1984 में, 1962 में। तो डी सही है, 1962 में। ये जो स्लाइड है गलत गलत डल गई है, ठीक है। आगे, यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत को संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च न किया जाए? अनुमान समिति, लोक लेखा समिति, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, अंतर्राज्यीय परिषद। तो सी विकल्प सही है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 1 माह, 2 माह, 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। तो 6 माह के अंतर्गत। निम्नलिखित संविधान संशोधन से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी? 90वां संशोधन, 91वां संशोधन, 92वां संशोधन, 93वां संशोधन। इसका बी विकल्प सही है, 91वां संशोधन। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? ये क्वेश्चन दोबारा से है, ठीक है। ए 2 है, बी 3, 4, 5। तो विकल्प बी सही है, 3। बस यहीं तक हमारा वीडियो फिनिश होता है, ठीक है। हमारे ऐसे ही वीडियो लेने की प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करके और शेयर भी कर दें ताकि अन्य लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।